हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सहजन के फले की रेसिपी। तो ये सहजन को हमने छोटा छोटा कट करके ले लिया है और कढ़ाई में हमने यहाँ पे ले लिया है तेल। तेल में डाल देंगे हम 2 तेज़पत्ता और 5 फोरन। 5 फोरन को थोड़ा तड़कने रखने देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये पतला पतला कटा हुआ आलू। आलू को हम फ्राई कर लेंगे। ये आलू हमने डाल दिया है, आलू को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे ये नमक और ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे हम। अब हम हल्के हल्के से इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये आलू हमारा फ्राई हो चुका है हल्का। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे सहजन की फली जो हमने कट करके रखा हुआ था। सहजन की फली को डालकर हम धीरे धीरे इन्हें जो है भुनेंगे। धीमी आंच पर हम इन्हें भुनेंगे। जब तक हमारा सहजन की फली फ्राई होता है तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। ले लिए हमने एक मिक्सी का जार। इसमें हम ले लेंगे ये खसखस, पॉपी सीड भी बोलते हैं इसे, डाल देंगे खसखस। और डालेंगे इसमें 3-4 काजू और ये 2 हरी मिर्च डालकर, थोड़ी सी पानी डालकर हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। चेक करते हैं हमारे सहजन को, ये भी हमारे भुन चुके हैं। इसमें हम हमारे ये मसाला जो हमने बनाया है इसको डाल देंगे। डाल देंगे इसमें नमक 1 चम्मच और इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे मिलाते हुए डाल देंगे इसमें थोड़ी सी और हल्दी और ये है चीनी। चीनी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो मत डालिएगा ये चीनी। और ये जार में हमारा थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, इसे भी हमने धो करके डाल दिया है। तो इसे हम मिला रहे हैं, मिलाते हुए इसे इसको अभी हम ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि हमारे सारा सब्जी अच्छे से पक जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए तैयार है हमारा सहजन के फले की सब्जी। रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, बाय बाय।